यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अनुष्का शर्मा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में मशहूर हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 30 अंडर 30 एशिया 2018 की लिस्ट में अनुष्का शर्मा का नाम शामिल किया गया है। आपको बता दें कि बॉलीवुड से अनुष्का शर्मा सिर्फ एक इकलौती एक्ट्रेस हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पैसिफिक एशिया के 24 देशों में से हर जाने माने चेहरे का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया 2018 की लिस्ट में कुल 300 लोग शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि ये जो 10 कैटेगरीज बनी हैं, उनमें स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, बिजनेस जैसी फील्ड्स को लिया गया है और इस लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल किया गया है जो अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 2008 में रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से की थी। अब तक वे कुल 15 फिल्में कर चुकी हैं और आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। अनुष्का प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स की को ऑनर है। इस कंपनी के बैनर तले फिल्म NH10 फिलौरी परी का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 29 वर्षीय एक्ट्रेस ने नुश नाम से कपड़ों का ब्रांड भी लॉन्च किया है। फॉक्स के इस लिस्ट में अनुष्का शर्मा के साथ साथ विराट कोहली के बारे में भी जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि फॉक्स ने अनुष्का शर्मा के बारे में क्या लिखा। अनुष्का शर्मा ने साल 2017 में मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली से शादी की थी। यह भारत की सबसे ज्यादा जानी मानी जोड़ी है। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले विराट कोहली को भी इंस्टाग्राम की तरफ से मोस्ट एंगेजिंग अकाउंट का अवार्ड मिला था। हाल ही में अनुष्का शर्मा की फिल्म परी रिलीज हुई थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसी के चलते अनुष्का शर्मा अब अपनी आने वाली फिल्म सुई धागा में पूरी कड़ी मेहनत कर रही हैं और आजकल वो इसी फिल्म की शूटिंग में बिजी भी हैं।